दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे आप लोग इंस्टाग्राम आईडी को रिकवर कैसे कर सकते हैं बिना मोबाइल नंबर, बिना पासवर्ड, बिना ईमेल आईडी के। अगर आपका इंस्टाग्राम का कोई पुराना अकाउंट है और आप लोग उसको लॉगिन करना चाहते हैं लेकिन आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, या तो मोबाइल नंबर खो गया या तो मोबाइल नंबर बंद हो गया और आपके पास ईमेल आईडी भी नहीं है, या तो आपको पता ही नहीं है कि हमारे इंस्टाग्राम आईडी में कौन सा ईमेल आईडी लिंक था और आपको पासवर्ड भी याद नहीं है, तो कैसे आप लोग इंस्टाग्राम आईडी को रिकवर कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपके पास ना ही मोबाइल नंबर है, ना ही ईमेल आईडी है और ना ही आपके पास पासवर्ड है, तब भी आप लोग अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको बताते हैं किस तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम आईडी को लॉगिन कर सकते हैं बिना मोबाइल नंबर, बिना पासवर्ड, बिना जो है ईमेल आईडी के। चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों अगर आप सभी इंस्टाग्राम का पुराना अकाउंट रिकवर करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का पुराना आईडी अगर आप लोग लॉगिन करना चाहते हैं बिना मोबाइल नंबर, बिना पासवर्ड, बिना ईमेल आईडी के, तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना। और अगर आपने पहले से कोई आईडी लॉगिन करके रखा है तो यहाँ पर आपको नीचे प्रोफाइल का आइकन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक कर देना। ऊपर आपको थ्री लाइन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको थ्री लाइन पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपको लास्ट में चले जाना। जैसे आप लोग लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड अकाउंट, यहाँ पर आपको ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट, यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपको बैक आ जाना और यहाँ पर आपको स्विच अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। और अगर आपने इंस्टाग्राम में कोई भी आईडी लॉगिन करके नहीं रखा होगा तो यहाँ पर आपके सामने डायरेक्टली इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट हेल्प लॉगिन, यहाँ पर आपको गेट हेल्प लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना। और यहाँ पर दूसरे वाले मोबाइल में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आप लोग आईडी को रिकवर करना चाहते हैं उस आईडी का जो यूजर नाम है उसको आपको यहाँ पर टाइप कर देना, ठीक है। और अगर आपको यूजर नाम याद नहीं है तो अगर आपका कोई दूसरा आईडी है तो उसको आप लोग यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए, या तो आप किसी फ्रेंड का मोबाइल ले लीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना और यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना। और यहाँ पर जो भी आप आईडी रिकवर करना चाहते हैं, जो आपका पुराना अकाउंट है, जो भी आप लोग अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं उस आईडी को आपको यहाँ पर सर्च कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरा एक पुराना आईडी है और हमें अपने पुराना आईडी को रिकवर करना है तो यहाँ पर मैं अपना पुराना आईडी सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर जो भी आपका पुराना आईडी है, जो भी आप आईडी रिकवर करना चाहते हैं, अगर वो आईडी यहाँ पर सर्च में आता है तो उसी आईडी के ऊपर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से वो आईडी ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर ऊपर आपको यूजर नाम देखने को मिलेगा तो आपको यूजर नाम को कॉपी कर लेना या तो आपको यूजर नाम को याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दोबारा से उसी पेज पर आ जाना और यहाँ पर जो यूजर नाम था उसको आपको यहाँ पर टाइप कर देना, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं यूजर नाम को टाइप कर देता हूँ। यूजर नाम टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको फाइंड अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना। और यहाँ पर पहले वाले मोबाइल में इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कैंट रीसेट यूर पासवर्ड, यहाँ पर आपको कैंट रीसेट यूर पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना। और यहाँ पर दूसरे वाले मोबाइल में तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा है नो लॉन्गर हैव एक्सेस, यहाँ पर नो लॉन्गर हैव एक्सेस के ऊपर क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपके इंस्टाग्राम आईडी में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, जो भी ईमेल आईडी लिंक होगा, ठीक है, वो सारा मोबाइल नंबर और यहाँ पर वो सभी ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ईमेल आईडी या तो मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर आईडी को बहुत ईजिली रिकवर कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है या तो ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करके, या तो ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी को सिलेक्ट करके एंड यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट किया होगा तो आपके मोबाइल नंबर पर कोड आएगा। अगर आपने ईमेल आईडी को सिलेक्ट किया होगा तो जो भी आपका इंस्टाग्राम आईडी में जो ईमेल आईडी लिंक था उस ईमेल आईडी पर कोड आएगा। तो यहाँ पर आप कोड फिल करके यहाँ पर आप आईडी को बहुत ईजिली रिकवर कर सकते हैं। बट यहाँ पर ना ही मेरे पास मोबाइल नंबर है और ना ही मेरे पास ईमेल आईडी है और हमें आईडी को रिकवर करना है तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्राई अनदर वे, यहाँ पर आपको ट्राई अनदर वे पर क्लिक कर देना। और जैसे आप लोग ट्राई अनदर वे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा।
अब अगर आपके पास ना ही मोबाइल नंबर है, ना ही आपके पास ईमेल आईडी है और ना ही आपको पासवर्ड याद है, तो यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, और चाहे तो आप लोग यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है इसको भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना और चाहे तो आप यहाँ पर थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लगा और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो भी आप आईडी रिकवर करना चाहते हैं उस आईडी पर आपका फोटो है या फिर नहीं। तो जो भी आपका पुराना आईडी है, जो भी आप लोग आईडी को रिकवर करना चाहते हैं उस पर अगर आपका कोई भी फोटो है तो आप यहाँ पर आईडी को बहुत इजीली रिकवर कर सकते हैं। अगर आपका जो पुराना आईडी पर अगर आपका फोटो है तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है आप लोग यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पुराने आईडी पर अगर आपका फोटो नहीं है तो यहाँ पर जो आईडी है वो रिकवर होने के बहुत कम चांसेस है, बट आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा पुराना आईडी है उस पर मेरा फोटो था, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है इंटर यूर ईमेल एड्रेस। आपको यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको जो है एक न्यू ईमेल आईडी टाइप कर देना, जो भी आपके पास ईमेल आईडी है उसको आपको टाइप कर देना। यहाँ पर जो आपके इंस्टाग्राम आईडी में जो ईमेल आईडी लिंक था उसको आपको टाइप नहीं करना, यहाँ पर आपको एक नया ईमेल आईडी टाइप करना जिस पर आपको जो है इंस्टाग्राम टीम कॉन्टैक्ट कर सके। चलिए यहाँ पर मैं एक नया ईमेल आईडी टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक नया ईमेल आईडी टाइप कर दिया। इस तरीके से आपको एक नया ईमेल आईडी टाइप कर देना, जो भी आपके पास ईमेल आईडी है उसको आपको टाइप कर देना और यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना और यहाँ पर जो भी आपने ईमेल आईडी को टाइप किया होगा उस ईमेल आईडी पर कोड गया होगा, यहाँ पर आपको बैक आ जाना और जो जीमेल एप्लीकेशन होता आपको यहाँ पर जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना और इंस्टाग्राम के अंदर जो भी आपने ईमेल आईडी को टाइप किया होगा उसी ईमेल आईडी पर कोड आया होगा, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि कोड आया या फिर नहीं। अगर यहाँ पर कोड नहीं आया तो यहाँ पर आपको जीमेल का आइकन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर जीमेल वाले आइकन पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको उसी जीमेल आईडी को लॉगिन कर लेना जो आपने इंस्टाग्राम में टाइप किया था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उसी जीमेल आईडी को लॉगिन कर लिया और यहाँ पर आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको नीचे जाना और यहाँ पर आपको जो है ऑल ईमेल को पर क्लिक कर देना और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इंस्टाग्राम की तरफ से एक ईमेल आया होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कोड देखने को लगा, इस कोड को आपको कॉपी कर लेना और आपको उसी पेज पर आ जाना, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं उसी कोड को टाइप कर देता हूँ। कोड को टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अभी यहाँ पर आपको वीडियो सेल्फी कंप्लीट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका फेस होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको वीडियो सेल्फी कंप्लीट करना होगा। अब वीडियो सेल्फी कैसे कंप्लीट करना, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक एरो दिखेगा, तो यहाँ पर जो आपको एरो दिख रहा है इस तरफ आपको अपना फेस करना, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं जो एरो का साइड है यहाँ पर चेंज हो चुका है, यहाँ पर जो एरो है अभी ऊपर के साइड में आ चुका, यहाँ पर जो मेरा फेस है उसको हम ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं एरो जो है वो इस साइड आ चुका, तो यहाँ पर हम अपना फेस इस तरफ करेंगे, ठीक है। एंड जिस तरफ एरो जाएगा उस तरफ आपको अपना फेस करना है, ठीक है। एंड इस तरीके से आपको वीडियो सेल्फी आपको कंप्लीट कर लेना एंड यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। और अगर आपका वीडियो सेल्फी अच्छे से कंप्लीट नहीं होता तो यहाँ पर आप लोग रीटेक वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप दोबारा से वीडियो सेल्फी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये आपसे बोलेगा कि जो भी आपने जीमेल आईडी हमें दिया उस जीमेल आईडी पर आपको जो है 3 से 4 दिनों के अंदर आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपको बैक आ जाना। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको 3 से 4 दिन का वेट करना है और इंस्टाग्राम की तरफ से एक ईमेल आएगा और आप जो उस ईमेल के माध्यम से आप अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 3 से 4 दिन का समय नहीं लगता, यहाँ पर जो ईमेल है वो यहाँ पर 10 से 20 मिनट के अंदर में आ जाता है और कभी कभी 1 घंटे का समय लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करके और यहाँ पर आपको चेक करते रहना कि यहाँ पर इंस्टाग्राम की तरफ से कोई ईमेल आया है या फिर नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कभी कभी 1 दिन का भी समय लग जाता है, कभी कभी यहाँ पर 2 दिन का भी समय लग सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर चेक करते रहना है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से आपके पास इंस्टाग्राम की तरफ से ईमेल आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ईमेल आ चुका है, इस तरीके से आपके पास भी इंस्टाग्राम की तरफ से ईमेल आएगा, ठीक है।
और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है रिसेट पासवर्ड, यहाँ पर आपको रिसेट पासवर्ड को ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड टाइप करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड टाइप कर देना। यहाँ पर मैंने एक नया पासवर्ड टाइप कर दिया और यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड को टाइप किया उसी पासवर्ड को मैंने यहाँ पर भी टाइप कर दिया और यहाँ पर पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको रिसेट पासवर्ड को ऊपर क्लिक कर देना और जैसे आप लोग रिसेट पासवर्ड को ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लगा और यहाँ पर जो इंस्टाग्राम आईडी है वो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पर मेरा एक नया पासवर्ड सेट हो चुका। ठीक है, इस तरीके से जो आपका पुराना आईडी है उसको आप लोग रिकवर कर सकते हैं बिना मोबाइल नंबर, बिना पासवर्ड, बिना ईमेल आईडी के। और यहाँ पर जब आपका अकाउंट रिकवर हो जाए तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल में जाना और यहाँ पर आपको एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेटिंग पर क्लिक करना और यहाँ पर देखेंगे तो इंस्टाग्राम आईडी में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, जो भी ईमेल आईडी लिंक होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो पुराना मोबाइल नंबर और जो पुराना ईमेल आईडी है उसको आपको चेंज कर देना है, यहाँ पर आपको एक नया मोबाइल नंबर ऐड कर देना है, यहाँ पर आपको एक नया ईमेल आईडी ऐड कर देना। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता कि इंस्टाग्राम आईडी में ईमेल आईडी को चेंज कैसे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी में मोबाइल नंबर को चेंज कैसे कर सकते हैं, तो इस पर मैंने पहले से वीडियो बना दिया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट रिकवर करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपका पूरा हेल्प करूँगा अकाउंट को रिकवर करने के लिए। आपको साइड में यूजर नाम दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप लोग चैनल पर हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन देखने को मिलेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो उसके बगल में बेल आइकन देखने को मिलेगा उसे क्लिक करके ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो देखकर सबसे पहले